हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जब हम कोई स्किन व्हाइटनिंग क्रीम हमारे चेहरे पर लगाने के लिए खरीदते हैं तो दोस्तों हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे चेहरे पर अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगी। दोस्तों कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि कोई स्किन व्हाइटनिंग क्रीम हमारे चेहरे पर सूट नहीं कर पाती, पर दोस्तों कुछ सिचुएशन में ये भी होता है कि हम कोई गलत स्टेरॉयड वाली क्रीम का यूज कर बैठते हैं जो कि हमारे चेहरे पर अच्छा रिजल्ट दिखाने की बजाय बुरा रिजल्ट दिखा देती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही स्टेरॉयड क्रीम्स के बारे में बताने वाला हूं, इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कौन कौन सी क्रीमें हैं और क्यों आपको ये क्रीम यूज नहीं करनी चाहिए, ताकि आप इनसे के रिजल्ट से, इनके जो साइड इफेक्ट हमारे चेहरे पर होते हैं उनसे बच सकते हो। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करते रहना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इस समय मेरे पास जो भी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम अवेलेबल है जिनमें सारी हाइड्रोक्विनोन्स हैं, इनमें एक भी ऐसी क्रीम नहीं है जो कि हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉयड वाली ना हो, और दोस्तों इसमें क्लोवेटासोल प्रोपेनेट वाले भी क्रीम है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में बारी बारी से मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाकोर्टिल लाइट क्रीम के बारे में। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हो, ये दोस्तों मेटाकोर्टिल लाइट क्रीम है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो है मोमेटोसोन, फिरेट, हाइड्रोक्विनोन एंड ट्रेटिन्यूएन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सभी क्रीमों के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देता हूं। सेकंड नंबर पर दोस्तों है टेनोवेट जीएन क्रीम, जिसमें क्लोवेटासोल प्रोपेनेट नियोमाइसिन सल्फेट का यूज किया गया है। थर्ड नंबर पर है दोस्तों टॉपिसल 3% क्रीम, जिसमें भी क्लोवेटासोल प्रोपेनेट एंड सैलिसिलिक ऑइंटमेंट का यूज किया गया है। चौथे नंबर पर है दोस्तों मेलालाइट 15 क्रीम, जो कि एक हाइड्रोक्विनोन क्रीम है और इसमें दोस्तों इसके साथ हाइड्रोक्विनोन के अलावा ऑक्टिनोजेट का भी यूज किया गया है। अब है दोस्तों कॉस्वेट जीएम क्रीम, जिसमें क्लोवेटासोल प्रोपेनेट जेंटामाइसिन एंड मेकोनजोल नाइट्रेट का यूज किया गया है। इसके बाद में है दोस्तों स्किन ब्राइट क्रीम, जिसके बारे में तो आपने काफी ज्यादा सुन रखा होगा और दोस्तों ये काफी ज्यादा फेमस है, जैसे स्किन लाइट क्रीम, मायफेयर क्रीम और मेलास क्रीम, स्किन साइन क्रीम, उसी के साथ स्किन ब्राइट क्रीम का भी काफी ज्यादा नाम चलता है स्किन लाइटनिंग में, और दोस्तों इसमें भी हाइड्रोक्विनोन का यूज किया गया है। इसके बाद दोस्तों है क्रीम नेडिवेक प्लस क्रीम, जो कि नेडिफ्लोक्सिन, मोमेटोसोन, फ्यूरेट एंड मेकोनजोल नाइट्रेट इसमें डाला गया है। इसके बाद दोस्तों मेडिसेलिक ऑइंटमेंट क्रीम है, जिसमें भी क्लोवेटासोल प्रोपेनेट डाला है और सैलिसिलिक एसिड डाला है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सारी क्रीमें हो गई, ये तो है स्टेरॉयड। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी प्राइस तो सबकी लगभग किसी की 50 रुपए से भी कम है, किसी की 100-150 रुपए के समथिंग है। तो दोस्तों जब हमको खरीद रही नहीं है तो प्राइस के बारे में क्या बात करें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इनके हमारे चेहरे पर साइड इफेक्ट क्यों देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, उनके अंदर जो कंटेंट्स डले हैं, इंग्रेडिएंट्स डले हैं, वो सारे हाइड्रोक्विनोन है। और दोस्तों हाइड्रोक्विनोन क्या होता है, वो हमारी स्किन को पीलिंग करता है। जैसे कि दोस्तों हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो दोस्तों हमें सलाह देता है केमिकल पीलिंग कराने की, बट दोस्तों वो पूरी तरीके से सेफ होती है केमिकल पीलिंग, वो डॉक्टर खुद की निगरानी में करता है केमिकल पीलिंग। पर दोस्तों ये जो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम होती है, ये मतलब इसके अंदर जो हाइड्रोक्विनोन डाला होता है वो दोस्तों हमारी स्किन को पील करता है, यानी कि पील का मतलब है हमारी स्किन की ऊपरी लेयर है उसको निकाल देता है पूरी को, जिसके बाद दोस्तों जो हमारी नई लेयर आती है वो हमें ऐसा लगता है कि नई नई गोरी गोरी सी हो गई है। तो दोस्तों उससे क्या होता है कि जब हम कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि आप धूप में इसको लगाकर चले जाओगे, आप इसे दिन में लगाओगे और फेस को बिल्कुल भी वॉश नहीं करोगे, और फेस को वॉश नहीं करेंगे, धूप में जाएंगे और बाइक चलाएंगे, तो दोस्तों होता क्या है कि वो गंदगी हमारे फेस पर जम जाती है और जो नई लेयर हमारी आती है वो भी डल हो जाती है, जिससे कि दोस्तों हम इस क्रीम का लगाना जब बंद कर देते हैं तो हमारे चेहरे पर साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम क्या होती है। तो दोस्तों साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम इसे कहते हैं कि अगर आपने ये वाली क्रीम लगाना छोड़ा तो आपके चेहरे पर लाल लाल से दाने हो जाएंगे, मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो जाएगी आपके चेहरे पर, कभी कभी किल मुहासे भी हो सकते हैं और पिगमेंटेशन, और आपके चेहरे पर झुर्रियां हो जाएंगी। दोस्तों मैं आपको अपनी पुरानी फोटो बताता हूं कि जब मैंने स्किन व्हाइटनिंग क्रीम का यूज किया था तो मेरा चेहरा कैसा हो गया था, बट दोस्तों अब पूरी तरीके से सही हो चुका है। वो लगभग 2-3 साल पहले की बातें हैं जो कि अब गुजर चुकी हैं, बट अब बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है, और मैं इस प्रकार की जो भी केमिकल वाली क्रीम है बिल्कुल भी अब यूज नहीं करता। मैं जो भी सेफ आयुर्वेदिक क्रीम से होती है उनको यूज कर लेता हूं।
तो दोस्तों बस यही मुझे आपको बताना था कि ये वाली जो भी स्टेरॉयड वाली क्रीम होती है आप इनका बिल्कुल भी यूज ना करें। अब दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि ये जो स्टेरॉयड वाली क्रीम होती है इनका यूज करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों पहली बात कि आप जितनी भी क्रीम है ये स्टेरॉयड वाली है इनको एक तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने से क्या होता है कि जब हम कोई क्रीम यूज करते रहते हैं तो वो हमारे स्किन में ऑब्जर्व होने लग जाती है, यानी कि हमारी स्किन में ज्यादा मात्रा में समा जाती है। वो दोस्तों बाद में हमारे चेहरे पर साइड पर करती है। तो अगर आपको ये सेफली यूज करनी है कम समय के लिए तो दोस्तों आप इसे ओनली एक महीने के लिए या फिर लास्ट सवा महीने के लिए, बट दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँ एक महीने से ज्यादा इसका बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि एक महीने से ज्यादा यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और दोस्तों आप दो दिन में एक बार यूज करें इसको, अगर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे आपको, बट दोस्तों आपको साइड इफेक्ट नहीं देखने हैं तो आप इसका दो दिन में एक बार यूज करें। इसको आपने रात में अपने फेस पर लगा लिया, फिर सुबह आप अपने फेस को वॉश करेंगे तो वॉश करने के बाद में दोस्तों मॉइस्चराइजर लगाना 100% जरूरी है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं लगाया अपने फेस पर मॉइस्चराइजर, आपकी स्किन पीलिंग होने लग जाएगी, स्किन निकलने लग जाएगी और वो दोस्तों आपकी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाएगी कि आप पूछो मत, फिर आपका चेहरा जलन होने लगेगी। आप बिल्कुल भी धूप में जाओगे तो ऐसे लाल टमाटर हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ मत करना है यार। मतलब मॉइस्चराइजर लगाना, एलोवेरा जेल लगाना, गुलाब जल लगाना, कुछ भी लगाना, बट लगाना जरूर मॉइस्चराइजर। ऐसा नहीं कि फेस को वॉश करा फिर दोबारा ये क्रीम लगा ली और दिन में लगा रहे हो, पूरे दिन भर लगी रह रही है, रात में लगी रह रही है, तो ऐसा लगाओगे तो यार साइड इफेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों बस यही तरीका कि यार लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना और एक महीने से ज्यादा बिल्कुल यूज मत करना और नाइट में यूज करना। और इसके साथ में ऐसा नहीं कि आप इस वाली क्रीम को यूज कर रहे हो और अनसेंट क्रीम में लगा रहे हो धड़ाधड़ गोरेपन के चक्कर में पागल हुए जा रहे हो और कुछ दिख ही नहीं रहा आपको, तो बस गोरापन चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल मत करना यार। अपने गोरेपन के चक्कर में चेहरे को खराब मत किया करो। तो दोस्तों बस यही था जो मुझे आपको जानकारी देनी थी। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और फैला दिए जो इन क्रीमों का यूज करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।